मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ। रोज रोज बरोज धार्मिक कहानी, जादुई बातें जानने के लिए जरूर से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर से वीडियो को भी लाइक कीजिए। इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक अत्यंत समृद्ध संपन्न गांव है, जहां के अनेकों ग्रामीण परिवारों से हमारे घर के मित्रता के संबंध दादाजी के समय से चलते आ रहे हैं। उस गांव के सरपंच बड्ढे दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्हें राजनैतिक वरदहस्त प्राप्त है। विगत 30 वर्षों से आर्थिक संपन्नता तो है ही, साथ ही इनके पास लगभग 100-125 बीघा उन्नत कृषि भूमि भी है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों में एक छत्र दबदबा है इन सरपंच साहब का। आज उन सरपंच साहब का इकलौता लड्ढिमका बड्ढा परेशान होकर इंदौर मेरे निवास पर ज्योतिषीय परामर्श के लिए आया। परेशानी का कारण पूछने पर बताया कि उसकी धर्मपत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई है, और वो कोई पहली बार नहीं भागी है, ये उसका दूसरा प्रयास है घर से हमेशा के लिए भाग जाने का। मित्रों, वो लड़का लगभग मेरी ही उम्र का था, और क्योंकि हमारे ग्रामीण भारत में विवाह बहुत कम अवस्था में हो जाता है, उसकी बौरट से साल की सबसे बड़ी लड़की उससे छोटी 8 साल की, और 2019 में ही एक लड़ाके का जन्म हुआ था। 3-3 संतानों के हो जाने के बाद किसी स्त्री का अपने प्रेमी के साथ पुनः चले जाना वास्तव में दुखदायी घटना थी। ज्योतिष के आधार पर जो कुछ भी बताना था वो मैंने बताया, किंतु मित्रों, विषय ज्योतिष का नहीं है, आज सो उस पर नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि सरपंच साहब से मेरे ना तब उस अवस्था में, वो अपने बीते हुए कल में चला जाता है और बिल्कुल सच सच बातें बोलने लगता है अपराध बोध अनुभव करते हुए। इस लड़डीएचके ने मुझे बताया कि आज से करीब 7-8 साल पहले इनके गांव में एक सरकारी डॉक्टर ट्रांसफर होकर आए, और साथ में ही अपनी धर्मपत्नी और 2 साल के बच्चे को भी गांव में ही ले आए। इस लड़के की डॉक्टर साहब से मित्रता हो गई और धीरे धीरे घर तक आना जाना होने लगा। इस आने जाने में ही डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी के अधिक निकट हो गया और दोनों में अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित हो गए, जो लगभग 1 साल तक रहे। एक दिन जब डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल से जल्दी आ गए गांव में स्थित अपने आवास पर, तो वहां उन्होंने अपने घर में इस लड़के को और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। अब क्योंकि पत्नी भी सहमति से इस अनैतिक प्रेम में थी, और फिर इस लड़के के पिता सरपंच भी रसूखदार व्यक्ति थे, जिनसे आमने सामने होना मतलब भविष्य और वर्तमान दोनों पर संकट का आगमन हो जाना, तो डॉक्टर साहब ने वही किया जो कोई भी सम्मान प्रिय सभ्य साधारण व्यक्ति करेगा। उन्होंने महीने भर में ही येन केन प्रकारेण अपना तबादला कहीं और करवा लिया। लेकिन जिस दिन वो डॉक्टर साहब गांव से जा रहे थे, उन्होंने इस लड़डीएचके से ये शब्द कहे, यार तुम्हें दोस्त समझता था, तुमने मेरा घर बर्बाद करके ठीक तो नहीं किया, पर शायद अब भगवान ही इसका न्याय निर्णय करेंगे। उन डॉक्टर साहब के ये शब्द अक्षरशः इस लड़के को याद रहे, और आज भोजन करते हुए वो इन्हीं शब्दों को याद करके मुझे सुनाते हुए भावुक हो गया। मेरे मित्रों, हमने अपने जीवन में क्यों बार देखा है न कि जो समाज के द्वारा बनाए गए विधानों से विपरीत आचरण केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए करते हैं, उनका हश्र देर सवेर बहुत बुरा होता है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति समेत परिवार का किया खून, अब मिली उम्र कैद की सजा। पति ने प्रेमी के संग पत्नी को रंगे हाथों पकड़ ढा, गुस्से में किया पत्नी प्रेमी का खून। 2 बच्चों की माँ प्रेमी संग हुई फरार, दुखी पति ने घर में लगा ली फांसी। ऐसी कितनी ही खबरें आए दिन समाचारों में पढ़ते सुनते हैं हम। पति पत्नी के बीच में जब वो का प्रवेश हो जाता है, तो कोई ना कोई बड्ढा विप्लव, कोई विनाश होना निश्चित हो जाता है। बस इन सब में उस एक बेकसूर पति को दंड सबसे पहले बिना कारण मिल जाता है, जो इन सब के लेने देने में कहीं था ही नहीं। और अनैतिक आचरण करने वालों को तो दंड मिलता ही है, प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष रूप से ही सही, क्योंकि मैंने है अनुभव किया है कि भगवान भी दंड देने के लिए नरक का इंतजार नहीं करते। यही इसी दुनिया में अच्छे से अपने किए कर्मों के दंड देर सवेर देते ही है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय जरूर से कमेंट पर दीजिए,
और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।